अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रायांस किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लाई हूँ झटपट सी मज़ेदार सी बनने वाली माश की दाल। जी हाँ, वही माश की दाल जो आप ढाबा पे अक्सर खाते हैं या घर में बनाते हैं, लाइक खड़ी खड़ी माश की दाल मज़ेदार सी स्पाइसिस के साथ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से आ जाते हैं और इसके जो तमाम अज्जे हम आपको दिखा देती हूँ ताकि आप भी इनको कलेक्ट कर सकें, उनको बना सकें। बहुत मज़े की, बहुत लजीज होगी। इसको आप फुल वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसके तमाम प्रोसीजर का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो इसके तमाम अज्जा जो हैं उनमें शामिल है, सबसे पहले मैंने ली है माश की दाल। ये डेढ़ पाव माश की दाल है। इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया था, आप देख सकते हैं फूल चुकी हुई है माशाल्लाह। तकरीबन एक से डेढ़ घंटे आपने उसको भिगोना है अच्छे से ताकि जो है वो अच्छे से फूल जाए और हमारी दाल अच्छे से खड़ी खड़ी बने। इसके साथ साथ मैंने ली है मसाला जात। मसाला जात में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ली है डेढ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, डेढ़ टी स्पून सॉल्ट, सूखा हुआ जो पिसा हुआ धनिया है वो मैंने डेढ़ टी स्पून ही लिया है। इसके साथ साथ वन टी स्पून बिल्कुल हीट करके मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और ये चुटकी भर अजवाइन है और हाफ टी स्पून हल्दी है। इसके साथ साथ मैंने लिया है ये वन टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है, एक बड़ा वाला प्याज मैंने स्लाइस किया है, दो टमाटर लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं इनको मैंने रफली कट किया बिकॉज ये ब्लेंड होंगे। और इसके साथ साथ मैंने ये पेस्ट लिया है, ये पेस्ट है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। मैंने एक इंच का अदरक का टुकड़ा, साथ में छः से सात जो है लहसुन के और साथ में तीन हरी मिर्च मैंने ली थी, वो मैंने इसमें एक साथ में पेस्ट बना लिया था इनका। इसीलिए मैं मिर्च को थोड़ा से एहतियात से डालूंगी ताकि हम एक्स्ट्रा स्पाइसी ना बना दें इसको। साथ में इसमें जाएगा हाफ कप ऑयल। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर से कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने अपने हांडी में जो है वो आधा कप ऑयल का डाला है और साथ में जो मैंने एक बड़ा प्याज जो था जो मैंने स्लाइस करके रखा था वो मैंने डाला है, एक हाफ कप या इस तरह के दो चमचे आप डाल दें तो आपका हाफ कप ऑलरेडी बन जाएगा। कुछ लोग जो लोग मेयरमेंट के हिसाब से पूछते हैं अक्सर कुछ, तो उनके लिए बता रही हूँ कि जो स्टार्टिंग जिन्होंने भी की है कुकिंग से रिलेटेड उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास हाफ कप मेयरमेंट करना है आपको तो या हाफ कप मेयरमेंट कर लें या इस तरह के दो चमचे आप ले लेंगे तो आपका हाफ कप ऑयल बन जाएगा। हम इसको अब लाइक फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन सा कलर देंगे इसको और जैसे ही लाइट गोल्डन होगा हम इसमें पेस्ट भी डाल देंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे अपना ज़ीरा। जी तो जैसे ही मेरा अनियन जो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ, पिंक कलर में आया, मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना ज़ीरा जो मैंने वन टेबल स्पून लिया था सफ़ेद वाला ज़ीरा। ठीक है, सफ़ेद वाला ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया। हम इसको भी इसके साथ ही पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू भी आ जाए, ये फ्राई भी हो जाए और अच्छे से टेस्ट भी आ जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट एंड देन टमाटरों का ब्लेंड बनाकर वो भी डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही देखिए मेरा प्याज लाइट गोल्डन हो रहा है, मैं इसके अंदर अपना पेस्ट डाल रही हूँ जो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का बनाया था। इस पेस्ट को हमने अच्छे से भून लेना है लाइक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ताकि इसकी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में ताकि मेरी कुकिंग से जिसको फ़ायदा पहुंच सके मुझे उतनी खुशी होगी। मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन का बटन भी है, उसको भी काइंडली क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी जो रेसिपी भी बने फ़ौरन से फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जी तो मेरा लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं स्टेज पर डालूँगी अपना टमाटरों का जो पेस्ट मैंने ब्लेंड करके रखा है, जो दो टमाटर मैंने लिए थे उनको ब्लेंड किया था वो मैं डालूंगी। जी तो देखिए मैंने अपने जो दो मीडियम टमाटर ब्लेंड किए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और अब हम इसके अंदर मसाला जार डालेंगे अपने जितने भी मैंने आपको अज्जा लिखवाए हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैंने इसमें सारे अपने मसाला जार जो मैंने आपको लिखवाए थे वो सब डाल दिए और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से मसाला भून जाए। इसमें हम तकरीबन हाफ कप पानी डालेंगे और मसाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से अपना टेस्ट जो है वो डेवलप कर ले और मज़ेदार सा ऑयल इसका जो है वो फ्री हो जाए और भून जाए हमारा मसाला। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला अच्छे से देखें भून चुका है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रखा था आधे कप पानी के साथ ताकि मसाला हमारा यकजान हो जाए, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर अपने डालेंगे माश की दाल जो मैंने एक से डेढ़ घंटा पहले भिगो कर रखी थी, उसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है और वो अब मैं इसके अंदर डालूंगी
और फिर उसके अंदर डालेंगे तकरीबन पानी जी। तो मैंने इसके अंदर अपनी दाल डाल दी है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी इतना पानी कि हमारी दाल सिर्फ उसमें डूब जाए। ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना दाल आपकी नरम पड़ जाएगी। मैंने इसको खड़े खड़े रखना है, खूबसूरत सा प्यारा सा। सो हम इसके अंदर मैक्सिमम इतना पानी डालेंगे कि हमारी दाल भीग जाए अच्छे से। मिक्स हो चुकी हुई है, मैं अच्छे से इसमें डालती हूँ पानी अपना। तकरीबन डेढ़ गिलास मैंने पानी डाला है इसके अंदर, और जैसे ही मेरी दाल में बॉयल आने लगेगा मैं इसको दम वाली आंच पर छोड़ दूंगी ताकि हमारी दाल इस पानी में अच्छे से गल जाए। और फिर हम इंशाल्लाह जैसे ही हमारा पानी इसका खुश्क होगा तो हमारी दाल रेडी होगी। गार्निशिंग कर देंगे इसको हरी मिर्च और अदरक के साथ, तो हमारी दाल इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। बस अभी हमने इसमें पानी डाला है तो बॉयल देखें आपके सामने आ रहा है इसको। अब मैं इसको हल्की आंच पे करके दम पर छोड़ दूंगी इंशाल्लाह, और हमारी दाल तकरीबन 15 से 20 मिनट में या बहुत हो तो 25 मिनट में इंशाल्लाह डन हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल अच्छे से माशाल्लाह गल चुकी है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी अपना जो जुलियन में कटी हुई अदरक है और हरी मिर्च है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माश की दाल आप देख सकते हैं रेडी होगी, मैंने इसे डिश आउट करके कर लिया है। आप इसको सैलड के साथ बनाएं, साथ में हरी चटनी रखें, और जैसे आपको खमीरी रोटी के साथ मज़ा आया आप उसके साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं उसके साथ भी बहुत मज़ा आएगा। और ये ढाबा स्टाइल मज़ेदार सी खड़ी खड़ी माश की दाल देख सकते हैं, अच्छी माशाल्लाह गली भी आई आप देख लें। और खड़ी खड़ी भी हलवा नहीं बनाना है इसको, इसका ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें और मेरी डिशेस पसंद आएँ सिंपल सी मज़ेदार सी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बेल बटन जो है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम जितनी मेरी वीडियोस बने आप तक फ़ौरन के फ़ौरन पहुंच सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरी डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।